जय माता दी। दोस्तों, चार भाग्यशाली राशियां जिनमें गुरु तीसरे, छठे, आठवें और बारहवें भाव में भ्रमण करेंगे, उसके बावजूद भी चार राशियों का 2019 से 13 माह तक गुरु की कृपा उनको मिलने वाली है और गुरु महाराज धन वर्षा इन राशियों पर करने वाले हैं, क्योंकि इन राशियों में गुरुदेव बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। और जब कोई भी ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो बेशक वो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति अवश्य देता है, लेकिन आर्थिक स्थिति काफी मजबूत कर देता है। धन के लिहाज से यह विपरीत राजयोग बहुत ही उत्तम रहता है। तो जो पहली भाग्यशाली राशि है वह राशि है वृषभ। तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप भाग्यशाली रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, जिनके प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में आप धन अर्जन करेंगे। साथ ही साथ यदि आप विदेश में अपना सेटलमेंट चाहते हैं, लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं, तो 4 नवंबर के बाद आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास आपका सार्थक होगा। धन आगमन के प्रबल योग 13 माह तक गुरु बृहस्पति लगभग आपके लिए बनाए रखेंगे। जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वह राशि है कर्क। और यदि आपकी कर्क राशि है तो भी आप बहुत ही लकी हैं। गुरु अपने ही मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। आपके लिए भी धनार्जन के द्वार खुलेंगे, विशेष रूप से आप धनार्जन कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप भी विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी समय अति उत्तम रहेगा। विदेश जाने की कामना आपकी पूरी होगी। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद आदि में अगर आप फंसे हैं तो उसमें भी भारी मात्रा में लाभ होगा। यदि आप अस्वस्थ रहते हैं तो स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वह कर्क रहेगी। बात करते हैं अगली राशि की। तो यदि आपकी राशि तुला है तो भी आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि तुला राशि में बृहस्पति 4 नवंबर 2019 से तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी होना, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का भरपूर मात्रा में साथ मिलना, समय समय पर यात्राएं करना, इस तरीके के योग बनेंगे। साथ ही प्रचुर मात्रा में आप धनार्जन भी करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। इनकी दृष्टि आपके आमदनी भाव पर पड़ेगी, जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य से मित्रता का व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर आमदनी के लिए आपके लिए गुरुदेव का राशि परिवर्तन करना बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए भी यात्राओं के द्वार खुले रहेंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो आपको भारी मात्रा में लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि आप पहले से व्यापारी हैं तो भी आपके लिए ये समय काफी बेहतर सिद्ध होगा। इसके अलावा यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम होगा। कुल मिलाकर आपके लिए भी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने के योग बन रहे हैं। 13 माह तक आपको भी गुरुदेव बृहस्पति की अपार कृपा मिलने वाली है। बात करते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि की। तो अंतिम भाग्यशाली राशि है मकर। मकर राशि में गुरुदेव द्वादश भाव के स्वामी हो करके द्वादश भाव में बैठ जाएंगे। जब ये द्वादश भाव में जाएंगे तो आपके लिए भी विदेश जाने के प्रबल योग बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप विदेशों से लाभ। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय अति उत्तम रहेगा। और यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कारोबार या व्यापार कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की आपको अपार कृपा मिलने वाली है। मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस तरीके के भी प्रबल योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। तो जो चौथी भाग्यशाली राशि है वह है मकर। दोस्तों, वृषभ, कर्क, मकर और तुला राशि, ये विपरीत राजयोग बनेगा, जिसका प्रचुर मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। और यदि यह गोचर आपके लगन में बन रहा है तो यह योग आपके लिए और भी प्रबल बनेगा। किंतु अगर आपकी राशि भी इन चार राशियों में से कोई एक है तो भी आपको बड़ी मात्रा में लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।